हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 5 महीने पहले आपको मैंने एक स्कैल्प प्लस शैम्पू के बारे में बताया था। हाँ जी, वही शैम्पू जिसको मैंने बहुत ज्यादा अच्छा बताया डैंड्रफ के लिए, आपके हेयर के लिए, और अच्छा है भी। लेकिन दोस्तों, अब हो गए 5 मंथ और मुझे इसमें कुछ दिखे साइड इफेक्ट्स, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत ज्यादा कॉमेंट आया था मुझे उस वीडियो पे भी कि सर इसमें ये दिक्कत है, और वो दिक्कत मुझे आज देखने को मिला है। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने SMS किया कि सर ये शैम्पू हम यूज कर रहे हैं, साथ में हमारे ये दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मैं फुल डिटेल आपको बताऊंगा। इसकी पूरी रिव्यू है, क्या साइड इफेक्ट्स है, किस लिए हो रहा है और इससे कैसे बचा जाए, तो इस जानकारी को पूरा आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैंने 5 मंथ पहले एक वीडियो बनाई थी स्कैल्प प्लस शैम्पू के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इससे हेयर फॉल ड्रैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, ये अच्छा है। लेकिन साथ ही दोस्तों, इसको मैंने यूज करा 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ, बट अब जाके मुझे इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स जो मुझे फेस हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही इसमें आपको बताऊंगा कि इसको आपको स्टॉप करना है कि नहीं करना है, साथ ही आपको कितने महीने तक आपको यूज कर सकते हैं और कितने टाइम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो इसको मैं बता दूं आपको, इसको यूज करते हुए मुझे 5 मंथ हो गया है, मगर दोस्तों आज से 1, 2 एंड 3 मंथ तक तो मुझे कोई भी इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे थे। मगर जो दोस्तों अब जो साइड इफेक्ट दिखे वो मुझे 2 दिखे हैं। लेकिन इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स है और वो कैसा साइड इफेक्ट है, मैं आपको पूरा जानकारी आपको देता हूँ। तो पहला जो साइड इफेक्ट है वो है दोस्तों सर में हेडेक्स रहना। हेडेक्स कैसा दोस्तों, जब आप 2 मंथ 3 मंथ यूज करते हैं तो उस टाइम आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी, मगर अब मुझे 5 मंथ, जैसे आप 5 मंथ यूज करते हैं तो आपको हल्की फुल्की आपको हेड में दर्द रहेगा, और ये पूरे 3 घंटा 4 घंटा रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा, लगेगा कि आपको कि सर में कोई ऐसा दबा रखा है, बिल्कुल हेड ऐसा लगेगा जैसे कि जकड़ रखा है, बिल्कुल हार्डनेस जैसा आपका स्कैल्प लगेगा एकदम हार्ड, बिल्कुल ही आपके हेड में हल्का हल्का पेन रहेगा, सर भारी सा दिखेगा। तो ये है दोस्तों इसका पहला साइड इफेक्ट। अगर ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है दोस्तों कि जो ये स्कैल्प प्लस शैम्पू है, एक्चुअली ये मेडिकेटेड शैम्पू है, इसमें बहुत से ऐसे मेडिसिन दिए गए हैं जिनकी एक लाइफ लिमिट है जिसको आप यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए आपको सिर्फ 90 डेज ही यूज करना है, वो भी वीकली 2 टाइम, बट मैं इसको 1 टाइम यूज करता था फिर भी मुझे साइड इफेक्ट दिखे हैं। तो दोस्तों, इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई भी आप इसको यूज करना चाहता है तो मेरी आप लोगों को एक ही रिकमेंडेशन है कि आप गिनती के 90 डेज ही यूज करना, अदरवाइज आप उसको ज्यादा यूज मत करना, नहीं तो ये साइड इफेक्ट आपको भी दिखेंगे, मुझे भी दिखे हैं, मेरे 3-4 सब्सक्राइबर जो मुझे SMS किए हैं उनको भी दिखा है, साथ ही मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया था इसके बारे में पहले ही। तो ये चीज अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। तो ये चीज है इसकी साइड इफेक्ट। दूसरा जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, वो बिल्कुल सुन के आप शॉक हो जाओगे। हाँ जी दोस्तों, जैसे ये स्कैल्प प्लस शैम्पू स्कैल्प के जितने भी डैंड्रफ है उसको तो दूर करता ही है, लेकिन जब आप उसको 3 मंथ के बाद यूज करना स्टार्ट करते हो, तो जब आप 4 मंथ या 5 मंथ के स्टेज पे आते हो, तो दोस्तों इसमें जो साइड इफेक्ट देखी गई है कि आपके जो हेयर्स है वो बिल्कुल ही फ्रिजी और टाइट कर देंगे, बिल्कुल ही एकदम हार्डनेस लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि आपका बिल्कुल ही एकदम हेयर में धूल मिट्टी डस्ट लगी हुई है, इतना आपको ऐसा महसूस होगा। साथ ही दोस्तों, इसका एक और भी है प्रॉब्लम दिखने को मिलता है, जब भी आप उसको शैम्पू चाहे 1 टाइम करें या जिस दिन भी करें, आप नोटिस कर सकते हो कि जब अपने ऐसे बालों पे हाथ डालेंगे दोस्तों, तो ऐसा लगेगा कि आपने बालों को एकदम कोई जोर से खींच रहा है, मतलब इतने ज्यादा इस हमारे जो स्कैल्प है वो इतना ज्यादा, मतलब इसके अंदर के जो ऑयलिंग होती है, जो ऑयल प्रोड्यूस नेचुरल ऑयल्स होती है जो हमारे स्कैल्प प्रोड्यूस करता है ऑयल को, लगेगा कि बिल्कुल ही ऑयल उसके ऊपर से बिल्कुल खत्म हो गया। जब आप बालों को ऐसे खींचेंगे, जैसे सुबह के टाइम आदमी उठता है और लगता है ना बॉडी पूरी अंगड़ाई सा, सेम टू सेम वैसे ही महसूस होता है जब अपने बालों को आप ऐसे खींचोगे तो आपको महसूस होगा कि आपका कहना है उसका कि हेड में जो है काफी ज्यादा पेन सा है, साथ ही बहुत इची टाइप सा है। ये है दोस्तों इसके साइड इफेक्ट जो मुझे आज 5 मंथ में देखने को मिला है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आप वीकली 1 टाइम यूज करना, मात्र गिनती के, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, गिनती से दिन से स्टार्ट करना, आपको 90 डेज ही यूज करना है, अदरवाइज 4 मंथ 5 मंथ आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। मैं भी स्टॉप करने वाला हूँ। बल ये था इसलिए मैंने आपको फुल डिटेल वीडियो में बता दिया, क्योंकि मेरे जो चैनल पे है मैं किसी को भी
अंधकार में रखना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई चीज सही है तो उसको बताऊंगा, और कोई चीज यूज कर सही चीज को भी यूज करने के बाद अगर उसमें कोई साइड इफेक्ट दिखते हैं तो भी मैं बताऊंगा, चाहे आपको ये सही लगे या गलत लगे, लेकिन ये मेरे दिल के है, क्योंकि मैं अपने चैनल के जो भी मेरे फैमिली सब्सक्राइबर हैं उनको बिल्कुल भी उनके साथ गलत होने देना नहीं चाहता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको ने भी यूज करा कोई साइड इफेक्ट दिखे हैं आपको या कुछ इसमें प्रॉब्लम दिखी है तो कमेंट करना ना भूलना दोस्तों। साथ ही दोस्तों क्या नाम है, अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ और लाता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो।